पुलिस का नाम सुनते ही हाथ पैर फूल जाते हैं। अगर कभी पुलिस के चक्कर में पड़ गए तो ये समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं। जब पुलिस आप पर कार्रवाई करने आए तो आप इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको वो कौन कौन से अधिकार मिले हैं जिसका उपयोग आप पुलिसिया कार्रवाई के वक्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ अधिकार जो कानून ने देश के हर नागरिक को दिए हैं। जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए तो CRPC की धारा 50 के अनुसार आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप पुलिस से अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछ सकें और पुलिस को ये कारण बताना भी पड़ेगा। आपको गिरफ्तार करने के लिए जो पुलिस अधिकारी आया है उनका वर्दी में होना आवश्यक है। साथ ही उनकी वर्दी पर उनका नेम प्लेट भी होना चाहिए और उस पर साफ साफ शब्दों में पुलिस अधिकारी का नाम लिखा होना चाहिए। CRPC की धारा 50A के मुताबिक गिरफ्तार किए व्यक्ति को अधिकार होता है कि वो अपनी गिरफ्तारी की जानकारी अपने परिवार को दे सके। अगर वो देने में असमर्थ है तो पुलिस को खुद उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। CRPC की धारा 41B के अनुसार पुलिस को एक अरेस्ट मेमो तैयार करना होता है जिसमें गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी की रैंक, गिरफ्तार करने का टाइम और पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त वहाँ मौजूद प्रत्यक्षदर्शी के भी हस्ताक्षर होते हैं। इस मेमो में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से भी हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है। CRPC की धारा 54 के मुताबिक गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अगर मेडिकल जांच की मांग करता है तो पुलिस को उसकी मेडिकल जांच करनी होगी। मेडिकल जांच करने का फायदा ये है कि अगर आपके शरीर में कोई चोट नहीं है तो कस्टडी में अगर आपको कोई चोट लगती है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी और ये आपके पास पुलिस के खिलाफ एक सबूत होगा। कानून के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की हर 48 घंटे बाद मेडिकल जाँच कराई जानी चाहिए। CRPC की धारा 57 के मुताबिक पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं ले सकती है। अगर पुलिस किसी को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखती है तो उसे CRPC की धारा 56 के मुताबिक मजिस्ट्रेट की इजाजत लेनी होगी और मजिस्ट्रेट को ये बताना होगा कि क्यों हिरासत की अवधि बढ़ाई जा रही है। CRPC की धारा 41D के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि वो पुलिस जांच के दौरान कभी भी अपने वकील और अपने परिजनों से बातचीत कर सके। अगर कोई अपराध गंभीर नहीं है तो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट देखने का अधिकार है, लेकिन अगर अपराध गंभीर है तो पुलिस बिना वारंट भी गिरफ्तार कर सकती है। भारतीय दंड संहिता ने महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं। CRPC की धारा 46A के अनुसार किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कभी ऐसी परिस्थिति आई कि महिला को रात में ही गिरफ्तार करना होगा तो पुलिस को एरिया मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी। CRPC की धारा 46 के मुताबिक महिला को केवल महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है, कोई पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को हाथ नहीं लगा सकता। CRPC धारा 55A के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल पुलिस को रखना होता है। दंड संहिता के अलावा भारतीय संविधान ने भी आपको कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। अगर किसी व्यक्ति को गैर कानून ढंग से गिरफ्तार किया जाता है तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन है। संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा होगी। अपराधी को अपराध करते वक्त जो कानून है उसी के हिसाब से सजा मिलेगी। अपराध करने के बाद अगर कोई नया कानून बना तो उसके हिसाब से सजा नहीं हो सकती। पुलिस किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से हिरासत में लिया गया हो तो उसे तीन तरह की स्वतंत्रता मिलती है। पहली, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरी, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और तीसरी, गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार होगा। अगर ये अधिकार आपको पता हो तो कोई भी आपको गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसलिए अपने इन अधिकारों के बारे में जान लें और याद रखें।